मोदी जी ने एक सबसे बड़ा काम किया है मित्रों कि आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार आने के बाद एनआरसी बनाने का काम किया। ये एनआरसी क्या है? ये एनआरसी घुसपैठियों को चिन्हित करने की व्यवस्था है, भारत के नागरिकों का रजिस्टर बनाने की व्यवस्था। और जैसे ही मोदी जी ने एनआरसी बनाई, ये राहुल गांधी एंड कंपनी, केजरीवाल एंड कंपनी राज्यसभा में हाय तोबा मचा दिया, काउ 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 करकर बोलने लगे, एक साथ सब खड़े हो गए, मर गए, बचाइए, ह्यूमन राइट का क्या होगा, ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के नागरिक और हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, बताइए आप मुझे, देश और दिल्ली से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, बताइए जरा, जरा जोर से बोले, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। केजरीवाल के सांसद राज्यसभा में बोल रहे थे कि घुसपैठियों को निकालने में राजनीति न करो, भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रही, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रही थी। अरे भैया, राहुल जी सुन लो, अरविंद जी सुन लो, हम निकालने में राजनीति नहीं कर रहे, एक घुसपैठियों को रखने में आप राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक की राजनीति। इनके ह्यूमन राइट की चिंता है, जब देश में घुस रहे हैं और घुसकर बम धमाके करते हैं, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या होती है, उनके बच्चों के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा बलों के जवान मारे जाते हैं, उनके सुरक्षा बलों के जवान के बच्चों के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। मेरे देश के गरीब युवा का रोजगार छीना जाता है, गरीब के पेट का अन्न और घुसपैठियों के पेट में जाता है, गरीब के ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। आपको देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है, परंतु हमें, और मैं इस मन से कहना चाहता हूं, 19 के चुनाव के बाद देश भर में से एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करके